बीजेपी विधायक मंदाताई म्हात्रे ने आज युवा नेता पांडुरंग आमले द्वारा प्रकाशित नए साल 2022 के कैलेंडर का लोकार्पण किया। उन्होंने इस पहल के लिए युवा नेता समाज सेवी पांडुरंग आमले की सराहना की। वहीं खुद पांडुरंग आमले ने कैलेंडर को लोगों तक अपनी सामाजिक सेवा और कार्य पहुंचाने का जरिया बताया। देखिए रिपोर्ट। आज आम्ही आदरणीय आमदार मंदाताई म्हात्रे यांच्या हस्ते कॅलेंडरचा शुभारंभ केलेला आहे। मुझे बहुत खुशी है कि नए साल में हर घर में कैलेंडर होना बहुत जरूरी होता है। जी काही प्रभागात काम केलेले आहे त्याचा एक आराखडा मी त्या कॅलेंडर मध्ये मांडलेला आहे। सानपाड़ा प्रभाग 76 में युवा नेता पांडुरंग आमले ने आज नए साल का कैलेंडर लॉन्च किया। महानगर पालिका मुख्यालय बेलापुर में इस कैलेंडर का लोकार्पण बीजेपी विधायक मंदाताई म्हात्रे के हाथों किया गया। इस अवसर पर मंदाताई म्हात्रे ने युवा समाज सेवी पांडुरंग आमले के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें प्रभाग की जनता के लिए और बेहतर कार्य करने की शुभकामनाएं दी। हमारे कार्यकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता पांडुरंग आमले और हमारी सब महिलाएं ने आज नया साल का कैलेंडर बना के उनके विभाग में सबको ये कैलेंडर बांट रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि नए साल में हर घर में कैलेंडर होना बहुत ज़रूरी होता है। हम भी सुबह में उठे तो कैलेंडर में देखते हैं आज क्या तारीख है, आज क्या त्यौहार है, और एक अच्छा काम ये सामाजिक काम कर रहे हैं पांडुरंग आमले जी। और मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने ऐसे कैलेंडर्स के आगे जाकर भी और काम करना चाहिए, ऐसे में उनको शुभकामना देती हूँ, धन्यवाद। वही खुद युवा नेता पांडुरंग आमले ने कहा कि कैलेंडर प्रभाग 76 के हर घर तक पहुंचने और अपने जनसेवी कार्यों को पहुंचाने का जरिया है। उन्होंने कहा कि कैलेंडर में पंचांग के साथ ही कोरोना लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाई गई सेवा सुविधाएं की जानकारी दी गई है। भविष्य में इससे भी बेहतर कार्य करने की तैयारी है। सानपाड़ातील तसेच नवीमध्ये सर्व नागरिकांना नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। आज आम्ही आदरणीय आमदार मंदाताई म्हात्रे यांच्या हस्ते कॅलेंडरचा शुभारंभ केलेला आहे आणि या कॅलेंडरमध्ये विशेषतः आपली दिनदर्शिका तर आहेच, त्याचप्रमाणे कार्यसंबंध आमदार मंदाताई म्हात्रे यांच्या नवीन मुंबईतील व सानपाड्यातील कामाचा आराखडा आम्ही त्यामध्ये मांडलेला आहे। त्याचप्रमाणे आमचे कार्यकर्ते झाले किंवा आमचे जे सभासद आहेत साईभक्त महिला फाउंडेशन यांच्या वाढदिवसाच्या ज्या तारखा आहेत त्या आम्ही त्यामध्ये स्पेशली मेन्शन केलेल्या आहेत। व गेल्या 2 वर्षामध्ये कोरोना काळात असोत किंवा कोरोना संपल्यानंतर, अजून संपलेला नाही पूर्णपणे पण थोडा शिथिल झाल्यानंतर, आम्ही जी काही प्रभागात कामं केलेली आहे त्याचा एक आराखडा आम्ही त्या कॅलेंडरमध्ये मांडलेला आहे। अशा प्रकारचे कॅलेंडरची आम्ही अशी मांडणी केलेली आहे आणि हे कॅलेंडर घराघरात कसे पोहोचता येईल किंवा याचा फायदा सर्व लोकांना कसा घेता येईल याची आम्ही काळजी घेऊ आणि पुढील काळामध्ये आत्ताच ताईंनी सांगितल्याप्रमाणे आणखी आम्ही कामं करण्याचा प्रयत्न करू, धन्यवाद। ब्युरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।